तो आखिर क्यों शाओलिन मॉन्क्स WWE में नहीं जाते? वैसे तो शाओलिन मॉन्क इतने खतरनाक होते हैं कि बड़े से बड़े योद्धा को भी हरा सकते हैं, और ये इनकी ट्रेनिंग सिर्फ 6 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, जिसमें ये सुबह जल्दी उठकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और ये ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग से भी ज्यादा खतरनाक होती है। पूरे 10 साल की ट्रेनिंग के बाद वो फाइनल एग्जाम के लिए रेडी होते हैं, जिनमें इनको अपने गुरु के सामने सबसे कठिन परीक्षा देनी होती है, और बहुत ही कम लोग ये फाइनल परीक्षा को पास कर पाते हैं। उसके बाद ही वो खुद गुरु बन जाते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेनिंग देते हैं, और इनकी पूरी जिंदगी इसी ट्रेनिंग में निकल जाती है। शायद इसीलिए इनको दूसरी चीजों के लिए टाइम नहीं मिल पाता, और दूसरा ये अपनी ट्रेनिंग को पूरे मन से पूजा की तरह करते हैं, और शायद इसीलिए ये उससे पैसा नहीं कमाना चाहते। वैसे मुझे तो लगता है कि WWE फेक है, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना।